मधुबन गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक मस्त खुशबूदार फूल के बारे में जो बहुत सालों से मेरे पास है। उसका नाम है हरी चंपा। इसके पास गुलाब जैसा राजस सौंदर्य या फिर कमल जैसा नाजुक रूप ना ही हो, लेकिन फिर भी इसकी बढ़िया खुशबू की वजह से इसे मदनमस्त भी बोलते हैं। क्योंकि इसके फूल भी हरे होते हैं, इसलिए इसे हरी चंपा कहते हैं। इसका शास्त्रीय नाम है आर्ट्राबोट्रिस हेक्सापेटलस। वैसे तो चंपा में काफ़ी सारी जातियां हैं, जैसे कि सुवर्ण चंपा, कवटी चंपा, देव चंपा वगैरह, लेकिन सभी की तुलना में हरी चंपा हर ऋतु में खिलने वाला और अपनी खुशबू से हर किसी को आकर्षित करने वाला एक बेहतरीन फूल है। यकीनन आपको लगेगा कि इस शानदार पौधे को अपने बगीचे में होना ही चाहिए। इसके पत्ते चमकीले और हरे रंग के होते हैं। बाड़े का या किसी का भी आधार मिल जाए तो इसकी ऊंचाई 15 से 20 फीट तक बढ़ सकती है। इसके कांटे होते हैं, लेकिन बहुत कम और नुकीले ना होकर मोटे होते हैं। यह पौधा काफ़ी गहरा जालीदार होता है और इस जाली में इसके हरे फूल छिपे होते हैं। लगभग बादाम के आकार के इसके हरे बीज के गुच्छे आसानी से दिखाई देते हैं। शाखाओं के शीर्ष पर इसके फूल अकेले या जोड़े में होते हैं। फूल की पंखुड़ियाँ मोटी मौसल होती है और कली जब पूरी तरह से खिले तब उसकी 3 पंखुड़ियाँ अंदर और 3 बाहर, यह रचना साफ दिखाई देती है। पूरा खिला हुआ फूल शुरू में तोते जैसे हरे रंग का होता है और 24 घंटे के बाद जब यह गिर जाता है तो काफ़ी पीला होता है। फूल शाम को खिलता है और दूसरे दिन शाम को पका हुआ फूल हल्के से ज़मीन पर गिरता है। 25 से 50 बीजों के गुच्छ वैसे भारी होते हैं और बीज पीले पड़ते ही एक एक करके गिरते रहते हैं। हरे बादाम की तरह मोटे कठिन बीजों को भी फूलों जैसी ही मीठी खुशबू होती है। यदि मिट्टी में नमी और गुनगुनी हो तो पेड़ के नीचे 80% बीज अंकुरित होंगे। यहाँ मैं मेरे पौधे के नीचे प्राकृतिक रूप से उगे हुए हरी चंपा के छोटे बच्चे दिखा रही हूँ। बीज बोने के बाद अंकुरित होने में 5 से 8 महीने लगते हैं। अब आप कहेंगे, बाप रे इतना लंबा इंतज़ार? सच है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजिकल अध्ययनों से पता चला है कि 6 पंखुड़ियों वाले पौधों में छोटा अपरिपक्व अंकुरण, फर्म सीड कोट, स्प्राउट्स की जालीदार रचना, ऐसे कारणों की वजह से अंकुरने में इतनी देर लगती है। हालांकि एक बार उग जाने पर वैसे पौधा काफ़ी मजबूत होता है, आसानी से मरता नहीं। मैंने तो अभी तक इस पर कोई कीट संक्रमण भी नहीं देखा है। यहाँ तक कि 10 फीट के बाढ़ के पानी के नीचे भी छोटे छोटे पौधे टिके रहे। टहनी लगाने से या ग्राफ्टिंग करने से कोई फायदा नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। बीज अंकुरण होने में देर लगती है और कलम करना नाजुक काम है। यही तो वजह है कि इतना दुर्मिल और सुगंधित होते हुए भी बगीचों में आमतौर पर दिखाई नहीं देते। मेरे पास 25 साल से हरी चंपा का पेड़ है। उसके नीचे गिरे हुए बीजों से छोटे पौधे तो बनते ही है और इसके अलावा भी पौधे उगाने के मेरे बहुतांश प्रयास सफल हो गए हैं। हरी चंपा के उपयोग के बारे में बताऊं
तो इसमें थोड़े बहुत औषधीय तत्व जरूर होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका उपयोग इत्र और तेल में किया जाता है। कौन नहीं चाहेगा ऐसा सुगंधित हरी चंपा अपने बगीचे में हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब करना न भूले। कमेंट करेंगे तो उत्साह और भी बढ़ेगा। धन्यवाद।